डी इलेवन, चलो ई वन, ई टू, ई थ्री, ई फोर, ई फाइव, ई सिक्स, ई सेवन। सर हाँ डी फाइव एलिमेंट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत क्यों है? डी फाइव में, हाँ बताओ क्या है थर्ड स्टेटमेंट बोल। साइन एक्स इंक्रीजिंग इन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू यूनियन थ्री पाई बाय टू से पाई बाय टू। अरे वो उस सेक्शन टू में है, पार्ट टू में होगा वो साइन वाला। हाँ सर पार्ट टू ही डिस्कस हो रहा है ना अभी। अच्छा पार्ट वन कर रहे हैं। चलो ई सेवन, ई एट, ई नाइन, ई टेन, पार्ट टू में जाओ। पार्ट टू में डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी डी फोर फाइव। भी है अच्छा डी फोर कौन सा है वो एजीपी वाला बताना है, कोई बोल के। 1 + 2x² + 4x⁴ + 6x⁶ (100x⁴100) तक। ये क्या एवरेज हाँ 100x, हाँ 100x⁴100 तक। इसमें से एक्स कॉमन ले लो, देखोगे ये वाला सोसाइटी अच्छा हाँ ये है, समझ समझा सर। ठीक है। डी फाइव सर एक बार वापस बताइए ना उसके बाद क्या। अरे डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स कॉमन लिया। जैसे एक्स कॉमन लूंगा अंदर जो भी बनेगा एक्स की सारी पावर इवन बनेगी, देख लो 2, 4, 6 up to 98 तक, और एक +4 बचा हुआ है, क्या वो कभी जीरो बनेगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना, हाँ सर तो वो तो कभी जीरो होएगा ही नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट से फेंक आएगा जीरो, फिर इधर प्लस लगा देना इधर माइनस लगा देना, तो जीरो सिर्फ एक ही मिनिमम आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो। हो गया। हाँ सर हाँ सर ठीक है। डी फाइव पता ना? हाँ हाँ अभी देखो समझो, जिस उसमें चार पांच स्टेटमेंट होंगे ठीक है ना, तो जिस स्टेटमेंट में तुमसे बोला है ना कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन इंटरवल, तो जहां पे इंटरवल लिखा हुआ है वहां पे इंटरवल की डेफिनेशन फॉलो करनी। अब है तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सियल, मतलब मेरे को तो सही नहीं लगता जो भी इन्होंने इनका सोचना है, बाकी जेई भी यही मानता है, उनको भी यही मानना पड़ेगा। जैसे एक मिनट मैं सवाल ही देख लेता हूँ। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में? हाँ इंक्रीजिंग इन इंटरवल, तो इसमें तुमको इंटरवल मान के आंसर देना है, तो
इंटरवल के हिसाब से अगर मानते हैं तो इंटरवल में तो फिर सारे पॉइंट पे इंक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे तो इंक्रीजिंग नहीं है ना। ये पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग होने की? बताओ। एक छोटा सा इंटरवल बन जाना चाहिए उसके आसपास, यही तो होती है ना जिसमें वो इंक्रीजिंग हो फंक्शन, ठीक है ना। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल समझ में आने जैसा है। सेकंड वाले में अपने को पॉइंट की डेफिनेशन यूज करनी, क्योंकि उसने बोला है कि एट ऑल पॉइंट, तो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे वो इंक्रीजिंग नहीं है, नहीं है ना। अरे बोलो। नहीं, क्योंकि वहां पे इंटरवल नहीं बन सकता उन पॉइंट्स पे, लेकिन फर्स्ट वाले में इन्होंने इसको सही दिया है इंटरवल के हिसाब से। बस हम इंटरवल के हिसाब से देख रहे हैं माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में, तो इन्होंने इसको इंक्रीजिंग दे दिया। जैसे अपन वहां पे पढ़ते थे ना कि कंटिन्यूस होना चाहिए, तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए इंटरवल में। यहाँ पे इन्होंने ऐसे नहीं मानते, यहाँ पे ऐसे मानते हैं कि अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इंटरवल का बोला है तो पूरे इंटरवल में बस इंक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसे देखना है। तो क्या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में इंक्रीजिंग है? है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको सही दिया। बाकी मेरे हिसाब से तो मैं तो इसको गलत ही बोलूंगा, लेकिन जे भी यही मानता तो तुमको भी यही फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड स्टेटमेंट सही दिया है। हाँ सही है ना। रॉन्ग दिया सर शायद। सही है। क्या दिया आंसर तुम्हारा इसमें? आंसर नंबर 4-5 दिया। तो अरे सही तो है फिर फर्स्ट स्टेटमेंट। थर्ड वाला सही में नहीं दिया ऐसा बोल। मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट वाला तो मतलब इसको तुमको मानना पड़ेगा कि हाँ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की बात कर रहा, तो इंटरवल की बात कर रहा है। जहाँ पे उसने पॉइंट लिखा है उसमें तुमको पॉइंट मानना है। तो जैसे फर्स्ट वाले के लिए मैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में इंक्रीजिंग बोलूंगा, सेकंड वाले में पॉइंट लिखा उसने एट ऑल पॉइंट, तो वो गलत हो गया क्योंकि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे इंक्रीजिंग। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल। अब जैसे इसने इंटरवल वर्ड यूज करा, क्या इसके हर पॉइंट पे वो इंक्रीजिंग होना चाहिए इंटरवल में? हाँ बोलो। अब मैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ऐसा पॉइंट ले देता हूँ, मतलब दो अलग अलग पॉइंट ले रहा हूँ मैं, एक तो एक पॉइंट ले रहा हूँ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, और जो इस वाले में ले रहा हूँ आगे वाले इंटरवल में पॉइंट, उसकी वैल्यू जो दूसरे वाले इंटरवल में ले रहा हूँ ना पॉइंट, उससे कम ले रहा हूँ, तो क्या वो दोनों पॉइंट के लिए कॉन्ट्रोवर्सी आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा? नहीं ऐसा समझ में क्या बोला? मतलब समझा नहीं। एक हाँ, अब बताओ एक्स टू एक्स वन से बड़ा है? अरे एक्स टू एक्स वन से बड़ा है। हाँ अगर एक्स टू एक्स वन से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स टू भी एफ ऑफ एक्स वन से बड़ा होना चाहिए था। हाँ इंक्रीजिंग, तो क्या अभी इंक्रीजिंग बोलूंगा इसको? नहीं समझा। समझे? हाँ ठीक है ना, इसलिए थर्ड वाला गलत हो गया। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है, इज इंक्रीजिंग एट ऑल पॉइंट। अब इसने पॉइंट की बात कर दी, तो अब तुमको पॉइंट पे देखना है। अब जैसे एक पॉइंट ले रहा हूं मैं x1,
कहीं पे भी ले लो वो एक्स वन टू, चाहे फर्स्ट वाले इंटरवल में ले लो चाहे सेकंड वाले स्टेटमेंट ले लो, आगे समझ में फिर फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ वाले में बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग इन इंटरवल्स, एंड लगा दिया उसने, एंड का मतलब ये दोनों अलग अलग इंटरवल कंसिडर करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? ये या तो और जैसे थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें पूरे को एक इंटरवल कंसिडर करना है कि हाँ ये मेरा पूरा एक इंटरवल है। आ रहा समझ? हाँ सर समझा, ठीक है ना। लेकिन पहले वाला तो मैं तो गलत ही बोलूंगा, पहला वाला ऑप्शन तो इसमें तो आंसर वही दिया हुआ 1 4 5, तो ठीक है। D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6। चलो अब क्या चल रहा था सर? वो पार्ट वन में एक बार D3 बता दीजिए ना। D3 पार्ट वन में उसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अरे भाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन से बड़ा होगा। अच्छा वैसे हाँ सर हो जाएगा फिर तो। कहाँ तक हुआ था? बोलो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम हो गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ सर उसके सम्स की। अब लिखो प्रूविंग इनइक्वालिटी यूजिंग मोनोटोनिसिटी। जैसे पहले ये वाला तो रटना ही है अपने को जो पहला वाला रिजल्ट है। sin x less than x less than tan x for all x equal to 0, ठीक है ना। कैसे करते हैं इनइक्वालिटी प्रूफ? जैसे मेरे को फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करना है साइन एक्स लेस देन एक्स, तो उनके डिफरेंस को एक फंक्शन मान लेते हैं, मानो उनके डिफरेंस को एक फंक्शन, फिर डिफरेंशिएट करना तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा कुछ दिखेगा। करो ट्राई। हो गया? हाँ जी। जैसे ये वाला पार्ट टू करना है, लेट
f x sin x minus x f dash x निकाल cos x minus 1. अब इसको देखोगे तो ये always less than equal to 0 implies a is decreasing. अगर a decreasing है a को 0 कितना आ रहा है, a को 0 भी हो रहा है, a को x जो भी होगा वो negative आएगा और x belongs to 0 पर रहेगा इस इंटरवल में. ये आ गया स्टेप समझ में. एफ डिक्रीजिंग है ये तो आना ही चाहिए. एफ अगर डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना. जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो. तो इसके आगे मैं कभी बढ़ूंगा तो हमेशा वैल्यू कम ही होगी. तो इसके आगे का मैंने कोई भी एक्स लिया उस पर नेगेटिव दिखा दिया, आया ना. ठीक है, अब ये जो आ रहा है स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर इसमें भी तुमको देखते ही पता लग जाना चाहिए फंक्शन क्या है. नहीं पता लगा बोलो. अरे फंक्शन दिख रहा है क्या, मानना है tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1. हाँ tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1. करो आया. जिसको भी पता पड़ता है उसके लिए फंक्शन है मानना उसको. tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस
हो गया। सर सर आपने f ऑफ 0 इक्वल टू 0 से किया मतलब पहले वाले में तो क्या मतलब f डिक्रीजिंग है ना तो उससे भी काम हो रहा है ना उससे कैसे काम चल जाएगा बताओ उससे कैसे काम चल जाएगा एफ डिक्रीजिंग है तो हाँ सर समझो नहीं हुआ अभी तक सेकंड वाला फंक्शन में 2 बाय रूट एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना क्या 2 बाय ऐसा बनेगा फिर इसके आगे वो x इक्वल टू जीरो पे तो है क्या x इक्वल टू जीरो पे f डैश जीरो तो है पर ऊपर वाले को उस पर कुछ फंक्शन मान के चेक करना पड़ेगा ना और किधर जीरो वगैरह हो रहा है मतलब जीरो के आगे डिक्रीजिंग आ रहा है अच्छा सर इंटरवल निकालना पड़ेगा कहाँ डिक्रीजिंग हाँ वही ऐसे करो 2 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन टेन इनवर्स x अच्छा 1 प्लस x स्क्वायर पूरा ही कॉमन है ना 2 टेन इनवर्स x तो माइनस x डिवाइड x स्क्वायर प्लस 1 ना फिर इसके आगे इसको सोल्व तो इससे नहीं कर पाएंगे इसको एक नया एच ओ एक्स ये तो पॉजिटिव टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट x is square plus 1 h dash can 1 plus x square or is square minus 1 by 2 अच्छा इसका तो u by v से होगा x square plus 1 root x square plus 1 as it is x square 1 minus x as it is और वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस इनटू टू एक्स
इससे कुछ कमेंट कर पाऊंगा? हाँ हो जाएगा कमेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एच मेरा जो भी है वो इंक्रीजिंग है? बोल सकता हूँ ना? हाँ सर। अगर एच इंक्रीजिंग है अपने को क्या चाहिए? सर x इक्वल टू जीरो। हाँ x इक्वल टू जीरो पे देख लो तो h ऑफ जीरो कितना है? तो x इक्वल टू जीरो पे वो जीरो हो रहा है ना h डैश। हाँ इससे मैं क्या बताऊँगा? h ऑफ जीरो जीरो है, h ऑफ x पॉजिटिव आया और x ग्रेटर है 0। ग्रेटर जीरो से मतलब उसके पीछे मतलब नहीं है वो समझ में क्या है? अब अगर एच ऑफ एक्स, हाँ बोलो, एच डैश एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो है ना, एच डैश एक्स जीरो पे जीरो, ठीक है, और f डैश जीरो है। हाँ ठीक है, जीरो पे तो जीरो है, सही बात है। हाँ तो ठीक है ना, इससे क्या दिक्कत है? जीरो पे नहीं चेक करें, बाकी हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा x ग्रेटर देन जीरो के लिए। अपने को वन बाई ई और ई पे कंपेयर करना है, तो जीरो से आगे के लिए अगर मैं बात करता हूँ x ग्रेटर देन जीरो के लिए, क्या एच एक्स इंक्रीजिंग होगा? बोलो ना भाई, मतलब डिक्रीजिंग आ रहा था। डिक्रीजिंग कैसे होगा? मतलब वो जीरो के आगे वो नेगेटिव आ रहा। देखो रख के वन माइनस टू रखोगे तो वन माइनस वन बाई अंडर रूट फाइव पॉजिटिव ही आएगा। नहीं दिखा? अरे दूसरा वाला जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है ना? तो ग्रेटर देन जीरो के लिए बात कर लेते, जीरो में तो जीरो है, इसका मतलब उसके बाद हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो एच ऑफ एक्स पॉजिटिव आ गया। एच ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो एच ऑफ एक्स माना किसको था मैंने? वो टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन को। तो क्या पूरा एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव आ गया? नहीं है? हाँ सर। ये पॉजिटिव है कि इंप्लाइज एफ एक्स इज पॉजिटिव, इंप्लाइज ओ एक्स एफ ओ वन बाय ई इज ग्रेटर देन एफ ओ ई, सॉरी कैसे लिखना होगी? अगर इंक्रीजिंग है तो वन बाई ई छोटा होगा ई से, तो एफ ओ वन बाई ए भी छोटा होगा एफ ओ बी से। नहीं है समझ में? हाँ सर आया। नहीं सर, इसमें क्या समझने वाली बात है? इंक्रीजिंग फंक्शन वन बाई ई और ई में से कौन बड़ा है? आई बड़ा है, समझे सर? ई बड़ा है, तो इसका मतलब आगे जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ेगी ना इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ ई भी बड़ा होगा एफ ऑफ वन बाई से। और ये निकालोगे ना एफ ऑफ वन बाई ई और एफ ऑफ ई, तो यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया ना, हटा दो उसको। हाँ
आया कुछ? इससे सेट कर दो उसको फिर अब सोचो क्या फंक्शन मानोगे साइन एक्स बाय एक्स साइन एक्स बाय एक्स करो तुम्हारा वाला भी हो जाएगा जो भी उसमें पूछ लेता है डी सेक्शन साइन एक्स बाई एक्स कैसा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है सर इंक्रीजिंग है मतलब देखो भाई चेक करो डिक्रीजिंग आया सर डिक्रीजिंग आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है अब थीटा और साइन थीटा का कौन बड़ा होगा थीटा ही थीटा बड़ा होगा ना तो एफ ऑफ थीटा बड़ा होगा या एफ ऑफ साइन थीटा बड़ा होगा एफ ऑफ साइन थीटा एफ ऑफ साइन थीटा
f of x sin x from x f dash x x square a is cos x minus sin x cos x value x minus tan x ये मोजिटिव x जीरो से पाई पर ये भी मोजिटिव और ये हम लिख देते हैं तो हमने ये नेगेटिव एम प्लस एफ एस डिग्री अगर एम डिग्री है थीटा जो होगा बड़ा होगा साइन थीटा से एफ ऑफ थीटा जो होगा छोटा होगा एफ ऑफ साइन एफ ऑफ थीटा साइन थीटा बाय थीटा लेस देन साइन ऑफ अब वो तुम्हारी शीट में लिखा उसमें शायद साइन वन बाय टेन डिवाइड बाय वन बाय टेन साइन वन बाय नाइन डिवाइड बाय वन बाय नाइन ऐसा होगा तो वन बाय टेन बढ़ा या वन बाय नाइन बढ़ा बताओ 1/9 बड़ा है तो एफ ओ 1/9 छोटा होगा एफ ओ 1/10 से हाँ सर समझा हो गया हाँ सर हो गया रोलेस ठीक है ना देखो फंक्शन एफ एस रियल वैल्यू फंक्शन F is continuous in A to B. A is differentiable in A to B. Third, F of A equal to F of B. एक ऐसा फंक्शन अपना ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कंटिन्यूस भी होना चाहिए डिफरेंशियबल भी होना चाहिए और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम होनी चाहिए तो रोल इज बोलता है इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी देन देयर इज एफ इज वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी So that in place C is equal to 0. होता है इसको ग्राफिकली समझ सकते हैं इजीली जैसे दो पॉइंट है A और B ठीक है तो तुम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो कि दोनों पे वैल्यू सेम आनी चाहिए एफ ओ ए और एफ ओ बी दोनों इक्वल आना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए डिफरेंशियबल भी होना चाहिए
तो क्या एक ना एक बार तुमको घुमाना ही पड़ेगा ग्राफ को? ये घुमाना पड़ेगा। हाँ सर, बिना घुमाए तो बना ही नहीं सकते ना। एक ना एक बार तो घुमाना ही पड़ेगा तुमको, और अगर एक ना एक बार घुमाना पड़ेगा तो एक ना एक कोई पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम आएगा ही आएगा। एक से ज्यादा भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा, लेकिन एक तो आएगा। हो गया। हाँ हो गया। ठीक है ना, तो अगर ये तीन कंडीशन मिल जाएगी तो तुम रोलेस अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए दिमाग में कहाँ से आएगा? जैसे तुमको ये मिले देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट फलाना, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए या तो रोलेस लगेगा या फिर एलएमबीटी लगेगा। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या, ठीक है ना। लेकिन देयर एग्जिस्ट तो वर्ड दिख ही जाएगा तुमको, देयर एग्जिस्ट दिखते तुमको वो याद आना चाहिए, या तो रूलेज या फिर एलिमिनेटिंग। चलो हो गया, हटा दो ना। हाँ सर, तो ये discuss applicability of rules for following functions: modes, देखते आ जाएंगे वो तो। पहले वाले मैंने लगे कि या नहीं लगे? नहीं नहीं लगी सर। नहीं लगेगी, जीरो का डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरे वाले में नहीं लगी भाई, डिफरेंशिएशन करोगे टू पे नहीं वो होगा डिफाइन, नीचे जीरो बन जाएगा। नहीं है समझ में? डिफरेंशिएट करके देखो, डिफरेंशिएशन आएगा 2/3 और 1/(x-2)/3। 2 पे नॉट डिफाइन होगा, इसका मतलब 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। नहीं है समझ में? आया सर, आया सर। ठीक है ना, थर्ड वाला तो तुमको ऐसे ही दिख रहा होगा, 5/2 पे डिसकंटिन्यूअस है। तीनों में दूसरा f of x, x cube minus 6x square, ax plus b, define on 1, 2, 3, set square, rule x, 4,
find value of any n of b. बताओ नहीं है वो अभी तक ऐसा क्या पूछ लिया भाई ने बोलो भाई सर ये तो मिलेगा लेकिन बी कैसे मिलेगा वो समझ नहीं आ रहा हाँ ए की वैल्यू तो आ गई 11 तो बी कैंसल आउट हो रहा होगा ना बी कैंसल आउट हो रहा है बस फिर बी कुछ भी हो सकता है बी बिलोंग्स टू आर बस शर्त ये है कि एफ डैश इस सी पे जीरो बनना चाहिए मतलब जो क्वाड्रेटिक बन रही है ना ए की वैल्यू रख के उसमें जो वो आना चाहिए एफ डैश एक्स यहाँ पे जीरो आना चाहिए वो इस वैल्यू पे आना चाहिए एफ डैश एक्स के टर्म में तो भी आएगा ही नहीं कभी भी इलेवन आता है सर ठीक एफ डैश एक्स का एफ डैश एक्स क्या है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस इलेवन अब उसका रूट निकालो ये बस इस पॉइंट पे सी होना चाहिए क्या है ट्वेल्व प्लस माइनस अंडर रूट 144
माइनस 1 by 2 divided by 6 we have 12 plus minus 2 3 divided by 6 so 6 plus minus root 3 by 3 so 2 plus minus root 3. ठीक है ना? तो हाँ वही तो पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम तो लगेगी लगेगी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल करने के लिए सिर्फ मेरे को ए मैटर कर रहा है, बी कोई मैटर नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू लेना चाहिए, बी कुछ भी वैल्यू ले लो क्योंकि हमेशा सेम ही आएगा वो, ए इक्वल टू 11 बी इक्वल टू आर। ठीक है, तीसरे वाले में भी तुमको थोड़ा थोड़ा अगर याद होगा कि जब भी रूट पूछेगा इक्वेशन का तो जो भी इक्वेशन दिए उसका इंटीग्रेशन मानना आता है। नहीं आता है? जैसे तुमसे इस इक्वेशन के रूट के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो इसके इंटीग्रेशन को एक फंक्शन मानना पड़ेगा क्योंकि तभी तुम्हें उसके डेरिवेटिव, हाँ तभी तुम्हें उसके डेरिवेटिव के रूट के बारे में चेक कर पाऊंगा रोलेज लगा के। तो क्या मानोगे फंक्शन? अब एफ ऑफ जीरो निकालो, एफ ऑफ वन निकालो, देखो वो रिलेशन दिया उस वो इसलिए दिया है क्योंकि जब तुम एफ ऑफ ए निकालो तो वो भी जीरो आ जाए, एफ ऑफ जीरो तो जीरो हो गई। हाँ ठीक है, तो जो भी तुमने क्यूबिक मानी वो कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशियबल भी होता है एक लॉन्ग स्क्वायर के लिए, और एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन के इक्वल है, इसका मतलब जो भी तुमने माना है एफ एक्स उसके डेरिवेटिव का एक रूट क्या जीरो से वन के बीच में होगा? हाँ सर। अगर उसके डेरिवेटिव का एक रूट जीरो से वन के बीच में होगा तो उसका डेरिवेटिव करोगे तो वापस से यही इक्वेशन आ जाएगी ना। यस आया सर। ये तो याद रखना पड़ेगा, अगर मेरे को अगर इसके रूप के बारे में जानकारी देनी तो इसके इंटीग्रेशन को एक फंक्शन है f x ax cube by bx square by 2 प्लस सी एक्स। अब कॉन्स्टेंट चाहे लगाओगे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लगा भी दोगे तो भी गलत नहीं, नहीं भी लगाओगे तो भी गलत नहीं। अगर ये एफ एक्स माना था और ये उसने दिया implies f dash x is f dash 1 in 0 1 f dash x क्या है? अगर इसका ही डिफरेंशिएशन करते हो ना x square plus bx plus equal to 0 is f dash
अब इसमें तुमको फंक्शन मानना पड़ेगा फोर्थ वाला। अब ऐसा फंक्शन मानने वाला, हाँ बोलो। 100 पीसी ऑफ सी लिखा है। हाँ तो तुम ऐसा सोचो कि ऐसा क्या फंक्शन मानो के इस टाइप से आ जाए डिफरेंशिएशन। क्या बताया तुमने? 100x into p of x ये फंक्शन रहेगा। 100x into p of x अच्छा हो जाएगा कैसे कैसे? नहीं 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 सॉरी की पावर 100x से मल्टीप्लाई। हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला बताया था मैंने एक बार। क्या मानोगे फंक्शन? बोलो अब तो e की पावर 100x इनटू p ऑफ x। हाँ, e की पावर 100x into p of x। Yeah.
हाँ सर आया f of x e to the power 100 x into p of x तो f of p निकालो अच्छा पहली बार तो p पॉलिनोमियल है ये भी हमेशा कंटीन्यूअस होता है तो f x जो होगा हमेशा कंटीन्यूअस होगा देखो f is कंटीन्यूअस f is डिफरेंशिएबल f of a f of x जीरो होगा इसके कारण क्योंकि a इसका रूट है और f of b वो भी जीरो होगा इसके कारण क्योंकि b इसका रूट है a जो होता है रोलेस रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है और a और b पे वैल्यू सेम आ रही है मतलब हाँ इक्वल आ रही है क्या मैं बोल सकता हूँ कि f के डेरिवेटिव का एक रूट जरूर होगा a टू b में हाँ सर एक मिनट हाँ लिखो इंप्लाइज एक्स 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 एटलीस्ट one root in a to b implies a dash x kya hai e ki power 100 x as it is into p dash x plus p x as it is iska 100 e ki power 100 x is equal to 0 here e ki power 100 x p dash x plus 100 ठीक है ना अब बाहर वाला तो कोई रूट देगा नहीं क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो अंदर वाले का एक रूट होना पड़ेगा a to b में देखो अब ये वाला आ जाना चाहिए तुमको फिफ्थ वाला देखते नहीं आया हाँ सर इंटीग्रेट किया हाँ इंटीग्रेट सर है ठीक है ना जैसे इंटीग्रेट करोगे लेट a नॉट x पावर n प्लस 1 ये अपन ने x मान ठीक है ना जो क्वाड्रेटिक वाला किया था बस उसी का वो मतलब जनरलाइज वर्जन हो गया ये क्या f ऑफ 0 0 है हाँ सर f ऑफ 0 0 है ठीक है अब f ऑफ 1 निकालोगे तो क्या वो भी 0 आएगा हाँ कंटिन्यूअस है a इज कंटिन्यूअस
f is differentiable or f of 0 equal to 0 and f of 1 equal to 0. दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब f has reached 1 to between 0 and 1. F dash x has reached 1 to in this 1. अब ये तुमको समझ में आना चाहिए कि फंक्शन क्या मानना पड़ेगा। सर वो f डैश सी लिखा है ना? हाँ, f डैश सी इनटू f ऑफ सी पावर m माइनस। क्या फंक्शन मानोगे? हाँ, f of x की पावर है। Yeah.
अरे यार ये एलएमटी का आर्टिकल है चलो दूसरा करो तुम दोस्तों करो ना ट्राई सर वो एफ ट्रिपल डैश एक्स होल स्क्वायर है ना कहाँ पे फोर तो कहीं पे भी नहीं है ट्रिपल डैश एक्स होल स्क्वायर है ना मतलब वो इक्वेशन जो आपने लिखा है फर्स्ट टर्म हाँ इक्वेशन लिखा है एफ डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश इनटू एफ ट्रिपल डैश अरे एक्सरसाइज थ्री भी तो बोला था ना मैंने पहले ही कर लूंगा हाँ सर ठीक है चलो पहले एलिमेंट भी कर लेते उसके बाद कर लेंगे
एक सेकंड सर, पांच रूट क्या क्या होता है? नहीं सर कुछ नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। सर फाइव रूट्स, फाइव कैसे सर? उसको उसका वो जिसका डेरिवेटिव है वो लिखा पहले। ठीक सर, फिर वो जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सिक्स माइनस एक्स है उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया एक बार। ठीक है, फिर उसमें एक बार जीरो डाला, एक बार टू डाला, एक बार फाइव डाला, तो मतलब वो सिक्स पे भी जीरो हो रहा है, फोर पे भी जीरो हो रहा है और वन पे भी जीरो हो रहा है। मतलब सब पे जीरो हो रहा है ना? फिर जीरो डाल सर। हाँ एमडेश जीरो और ये जीरो आपके लिए भी जीरो हो गया। ठीक है, फिर सर ऐसे ही टू डाला फिर फाइव भी डाला। टू डाला, चलो टू डाल सकते हैं और ये जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा। फिर फाइव डाल देते हैं, फाइव डाल देते हैं ये जीरो जीरो जाएगा। इसका मतलब एम डैश जीरो, एम डैश वन, एम डैश टू, एम डैश थ्री, एम डैश फोर, एम डैश फाइव, एम डैश सिक्स, ये सब जीरो। ठीक है, फिर इसके बाद सर वो गिवन एक्सप्रेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स इनटू एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, इसको तुमने सोचा कि ये डी बाय डी एक्स है एफ डैश इनटू एफ डबल डैश। ठीक है, फिर आगे सर अब इस पे रोलीज थ्योरम लगाया एफ डबल डैश के रूट के लिए ना, एफ डैश के रूट के लिए जो हमको मिले। एफ डैश के रूट तो तुम्हारे सामने लिखना है, उसके लिए क्या रूल लगाया तुम? नहीं मतलब ये एफ डैश इनटू एफ डबल डैश इतने पॉइंट्स पे जीरो जीरो हो रहा है तो इन हर हर दो पॉइंट्स के बीच में एक एक रूट मिले। हाँ तो पांच कैसे बता रहे हो फिर? सर जीरो और वन के बीच में एक, वन और टू के बीच में टू और थ्री, फिर थ्री और किसका आएगा? जीरो और वन के बीच में एफ डबल डैश का आएगा। नहीं ऐसा नहीं सर, जीरो और वन के बीच में इस पूरे इक्वेशन का आएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का आएगा एफ डैश एक्स इनटू एफ डबल डैश एक्स। मैं वैसे बोल रहा हूँ। अब इसे जीरो और वन को कंसीडर करो,
अगर मैं फंक्शन मान लेता हूं तो जी ऑफ एक्स एल पेशेंस, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस डिफरेंशियबल में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या g ऑफ 0 और g ऑफ 1 इक्वल है? हाँ सर। अगर g ऑफ 0 और g ऑफ 1 इक्वल है तो क्या g डैश x का एक रूट 0 और 1 के बीच में होगा? हाँ। क्या f मतलब इसका मतलब f डबल डैश का एक रूट 0 और 1 के बीच में होगा? हाँ सर। f डबल डैश का एक रूट 1 से 2 के बीच में भी होगा? हाँ। 2 से 3 में भी होगा, 3 से 4 में भी होगा, 4 से 5 में भी होगा, 5 से 6 में भी होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है ना। तो f डैश के कितने रूट आ गए? अरे f डैश के कितने रूट दिख रहे हैं अभी? 7 है। 7 है। और f डबल डैश के दोनों पॉलीनोमियल है, इसके 7 और इसके 6 है। 6 है, तो मतलब इस पूरी इक्वेशन के कितने हो जाएंगे? 7। फिर वही बात, कैसे 7 हो जाएंगे? 13 होंगे। समझ गया सर, समझ गया। 13 होंगे ना? हाँ सर, समझ गया। इस पूरी इक्वेशन के 13 होंगे, तो इसके डेरिवेटिव के कितने रूट होंगे एटलीस्ट? अरे तुमको ये बात पता है कि f के रूट अगर n है तो f डैश के मिनिमम n माइनस 1 तो होंगे ही होंगे। हाँ सर। तो अगर इसके 13 रूट है तो इसके डिफरेंशिएशन भी कितने होंगे? 12। करो तुम कॉपी कंप्लीट। हो गया? एक मिनट सर। अच्छा, ये सब लिखना है। जीरो 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 वन इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज जी डैश एक्स एक्स एटलीस्ट वन टू इन जीरो टू वन इसके रूप पता लग गए 7 रूप, इसके रूप पता लग गए 6 रूप। दोनों के 13। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके मिनिमम 12 तो होंगे होंगे। सर 3 किधर से आ रहा है? क्या 3 किधर नहीं है? क्या 3? अच्छा हाँ, 3 तो आया नहीं ना।
अच्छा थ्री ऐसे आ जाएगा ना, थ्री पुट करोगे तो एफ डैश थ्री इक्वल टू माइनस एफ डैश थ्री, एफ डैश थ्री जीरो नहीं होगा। चलो हो गया। हो गया भाई। हाँ सर। Lagrange mean value theorem LMVP. It's not going to be that F is real value function so that f is continuous in a to b, f is differentiable in a to b, then there exists at least one C belongs to A to B such that L base C equal to F of B minus F of A of B minus A. So we have some structure. जो रोलेंस है वो इसका एक स्पेशल केस है, लैग्रांज का स्पेशल केस है रोल, सॉरी हाँ रोलेंस जो है लैग्रांज का स्पेशल केस है। तो लैग्रांज क्या बोलता है, इसको दोनों एंड पॉइंट्स पे क्या वैल्यू, उससे मतलब नहीं, इसको सिर्फ इससे मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए डिफरेंशियबल भी होना चाहिए। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशियबल है, कोई भी एक रैंडम अगर इस कर्व का नाम f(x) है, इस पॉइंट को तुम बता पाओगे मेरे हिसाब से, और इस वाले पॉइंट को बता पाओगे पता चल गया उसका कोऑर्डिनेट a कोमा f(x) और इसके b कोमा f of b, ठीक है। तो अगर मैं इस कोर्ड की स्लोप पूछूं, इस कोर्ड की स्लोप वो क्या है, f of b minus f of a of b minus a, ये तो है ना। हाँ सर। क्या अब उस कर्व पे एक इसके पैरेलल टेंजेंट मिल जाएगी? हाँ सर। होगी होगी, इसके पैरेलल टेंजेंट में ये टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी, ये सी है। इस टेंजेंट इसको बता सकते हो? वही होगा M. क्या हुआ नहीं, मतलब कर्व के हिसाब से क्या होगा, f डैश x जीरो हो जाएगा, f डैश c जीरो कम जाए इस पॉइंट पर, नहीं सर उस c पे कर्व की स्लोप बता दो तुम, अगर कर्व f ऑफ x है तो fv minus fa upon b minus e, fv minus fa upon b minus e। अरे वो तुम उस कोर्ड की स्लोप को उसके पैरेलल समझ के बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कि तुमको सिर्फ ये कर्व दिया हुआ है और c पे स्लोप पूछिए, कर्व का नाम है y बराबर f of x।
एफ डैश सी एफ डैश बस फिर लिखो चलो हो गया हाँ सर करो देखे बताओ
सर ग्रेटर देन इक्वल टू ए आ रहा है हाँ ठीक है सर लिखा हुआ ये डिफरेंशियल है तो लगाते हैं एवरेज मिक्स क्या होगा एफ ऑफ सिक्स माइनस एफ ऑफ वन ऑन सिक्स माइनस वन एवरेज मिक्स बोला उसमें कि ये जो भी आएगा वो हमेशा टू से बड़ा है एफ ऑफ सिक्स निकालना है माइनस एफ वन माइनस टू अपॉन ठीक है अब तुमने रोलेस में भी इतने सवाल कर लिए हैं तो दूसरे वाले में तुमको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि फंक्शन क्या मानना है नहीं पता लगा AQ minus BQ AQ minus BQ पर फंक्शन क्या मानना है सर fx का क्यूब f of x का क्यूब मानना पड़ेगा फिर उसमें एलिमेंट लगाओ सर वो क्या लिखा हुआ है फाइव इंटू एच स्क्वायर की है क्या वो क्या लिखा हुआ है एफ स्क्वायर की है ना हो गया होगा अब तक तो हाँ सर दे एच ऑफ एक्स एच क्यू एक्स ठीक है ना एच ऑफ एक्स दे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ये उसने दिया हुआ था टू करोगे तो कोई दिक्कत नहीं तो टू से सेवन में एलिमिनेट करना एच डैश एक्स इज इक्वल टू एच सेवन माइनस H2 on 7 minus 2. H dash x and I 3 A F is equal to H7 F cube 7 minus F cube 2 on this way and the other way और ऊपर वाले के फैक्टर कर दो एक क्यूब माइनस एक क्यूब आ जाएगा ना हो गया ना भाई हाँ सर चलो तीसरे वाले पे आ जाओ इसमें तुमको देखते ही पता लग जाना चाहिए फंक्शन क्या मान cos x cos x लगाओ एलिमेंट
आ गया कहाँ से? ये वाला करो देखते हैं। ये वाला देखो जिसको क्या है ऑफ तो कंटिन्यूअस टेंशन का सारे एवरेजिंग स्केल इतना ए से बी और बी माइनस फोर से कॉम बी माइनस से और एवरेजिंग टाइम का माइनस का साइंस दोनों साइड मोड ले लो जैसा दिखेगा cos b cos a b minus a minus का मोड sin ये जो भी आएगा हमेशा वन से कम होगा ठीक है ना sin x है जैसे डिनोमिनेटर वाले को उधर भेजोगे RHS में तो वही निकल आ जाएगा ये वाला कर दो कि ट्राई हाँ सर वो g of x by f of x के इस पे लिखा है g of x by f of x हाँ
एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स. हाँ एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स. इसको इस अरेंज कर लोगे तो दिखेगा. इसको वहां पे ले लो, इसको यहां पे जी ओ पे एफ ओ पे एफ ओ पे जी ओ पे बी माइनस ए जी ओ पे जी ओ पे और जे सी एम एस सी एम सी जी एस सी वन जी स्क्वायर सी. अब इसको डिवाइड करें एल पी ऑन जी पे एफ एफ ऑन जी ए ऑन बी माइनस ए. तो अब तुमको फंक्शन दिख रहा होगा, क्या मानना पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स. मान लो फंक्शन करवा लो. ये जो निकाला वो ये हाँ ये हो गया. लेट एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. ठीक है ना, दोनों कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो दोनों का रेशियो भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा. मना भी कराएगा कि एक जीरो नहीं कंटीन्यूअस ही होगा. तो एल एन क्या करना ए और बी में h dash x h of b minus h of a on b minus a h dash x g gx ka square gx f dash x minus g dash x into fx. और इधर वही आ जाएगा एफ ओ पी जी ओ पी एफ ओ पे जी ओ पे. चलो फिफ्थ वाला करो ट्राई देखें.
जीरो से वन के लिए तो किसी भी सी के लिए ट्रू हो जाएगा ना वो। कौन सा वाला? फिफ्थ वाला ही। अच्छा ट्रू करना है, कैसे करते हो? क्या सर? प्रूव करना है, प्रूव करोगे कैसे? प्रूव पहले एलएमबीटी लगाएंगे और एफ डैश सी इनटू एफ डैश सी की पावर एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन। हाँ एफ ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, तो कैंडिडेट डिफरेंशियल को कोई दिक्कत नहीं है। एच एच एफ जो होगा वो एफ ऑफ वन पावर एन माइनस एफ ऑफ जीरो पावर एन वन माइनस एच एच एक्स क्या जाएगा एन एफ एक्स एन माइनस वन एच एक्स इज इक्वल टू टू पावर एन उसके बाद सर मतलब टू की पावर एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ टू की पावर एन माइनस वन। क्या क्या ये जो आया है अपने को टू की पावर एन माइनस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ टू की पावर एन माइनस वन, कैसे लिख दूं उसको? चलो कैसा लिखता हूं, अब कुछ याद आया हो तो? क्या जीपी वाला क्या बोल रहे हैं? वन टू टू स्क्वायर टू की पावर एन माइनस वन, यही तो होगा ना? हाँ सर समझा। ठीक है फिर अब आगे बागे एमजीएम लगा दो इन सभी नंबर्स। इन सभी नंबर्स क्या आएगा बताओ? हाँ सर वही आएगा जो आर एच एस पे दिया हुआ है, रूट टू के पावर एन माइनस वन बाई टू। हाँ सर वही आ रहे हो गया।
गया भाई? हाँ सर हो गया। सर मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगी ना? इक्वालिटी सभी नंबर इक्वल हो जाएंगे, सभी नंबर इक्वल हो ही सकते हैं ना, सब नंबर अलग अलग ही। इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी ना, इक्वालिटी तब होल्ड करती ना जब सब नंबर इक्वल होते हैं, तो हो ही नहीं पाएंगे कभी। वन थोड़ी ना टू के इक्वल हो जाए। ठीक है सर। ये बात करते हैं exists and for some pair AB belongs to R, A less than B, LN, FA, FDC, plus A double dash A. AP, F dash B, A double dash B is equal to A minus B. Then, four. Some C to A to B, A triple dash C, divided by FC, can not be equal to A 0, B 1, minus 1. करो देखें। इसमें बस तुमको ये बताना है कि फंक्शन क्या माने। अरे फंक्शन बता सकते हो क्या मानोगे? एक मिनट सर। क्या? अच्छा लिख रहे हो, लिखो। सर ln f of x f dash plus f dash x plus f double dash x।
हाँ बताओ क्या बता रहे थे फंक्शन ln f of x plus f dash x plus f double dash x बस फिर ये तो आ जाओ ln f x f dash x f double dash x करो फिर आगे सर ए सी डी है हाँ ए सी डी वन आ रहा होगा ना हाँ हो गया नहीं है ये फंक्शन हमने बताया था कि तुम्हारा एच डैश एक्स क्या होगा एल एन एफ ओ बी एल एच बी एल डबल डैश बी माइनस एफ ओ पे एफ डबल एफ डिवाइड बाय बी माइनस क्या इस पूरे पता है नहीं पता है वन दिया हुआ है ना सर आपने वन दिया हुआ इसको लिख सकते हो एम बाई एन बी बन जाएगा बस ये ऊपर नीचे भी तो माइनस कॉमन है यहाँ पे एम माइनस बी यहाँ पे बी माइनस है ओ वन एच डे सिक्स वन एफ एक्स एफ डे सिक्स एफ डबल डे सिक्स और इसी का रिफ्लेक्शन एफ डे सिक्स एफ डबल डे सिक्स एफ डबल डे सिक्स नीचे से इक्वल टू वन सो कर लेना एफ डे सिक्स एफ डबल डे सिक्स हो गया हो गया हाँ सर हो गया सर ठीक है तो ये एओडी हो गया तुम्हारा अब होमवर्क में क्या करोगे तुम पहले तो एक्सरसाइज 3 कर लेते हैं कर लेना
बोलो बोल नहीं रहे हो तुम थक गए सर अगली बार कर सकते क्या ठीक है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे एक्सरसाइज 3 पूरी पार्ट 1 और पार्ट 2 ठीक है ना हाँ सर अब इसके बाद अपन एओडी के बाद क्या करें इंटीग्रेशन हाँ डेफिनेट ना आईडिया ही होगा ना पहले तो इंडेफिनेट हाँ इंडेफिनेट को टाइम लगेगा ना डेफिनेट कर लेते ना इंडेफिनेट को टाइम नहीं लगेगा इंडेफिनेट एक दिन में होगा हाँ सर वो आइडिया है मैं सर आप बस है ना हर दिन मतलब हर एक एक मतलब जो अलग अलग टाइप के है ना वो सब एक एक बता देना बस वही मैंने बोला कि आईडीएफ तो मैं एक घंटे मतलब एक ही दिन में करूंगा 2.5 से 3 घंटे लेके हाँ ठीक है ना सर क्योंकि जो सवाल पूछा जाएगा वो इनडेफिनेट से पूछने के प्रोबेबिलिटी बहुत कम डेफिनेट से पूछने की ज्यादा है और डेफिनेट में जो इंटीग्रेशन आएगा वो इतना थोड़ी ना पूछते हैं हाई लेवल का तो आईडीएफ को मेरे आईडीआई को मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए एक दिन में कर लेंगे अपन जब भी नेक्स्ट क्लास होगी अगर सुबह वाला स्लॉट मिल गया तो सुबह 7 बजे से लग जाएंगे 9:30 बजे तक खत्म हो जाएगा 2 घंटे में हो जाएगा सर हाँ हो जाएगा उसमें तो इतना खास है सर ट्यूसडे को छुट्टी रहता ही है अगर आप चाहे तो ले सकते कब छुट्टी रहती है ट्यूसडे को छुट्टी रहती है मतलब 2 हफ्ते से पता चल रहा है कि ट्यूसडे को छुट्टी रहती है अच्छा बस एक्स्ट्रा मत लगाइए अच्छा अब शिफ्ट कर दीजिए ठीक है तो ऐसे कर लेंगे शिफ्ट कर लेंगे तो जैसे मेरी अगर वेडनेसडे को हुई वेडनेसडे को नहीं लूंगा और ट्यूसडे को ले लूंगा हाँ चलेगा ठीक है ना तो अपन एक पूरा स्लॉट उसमें अपन इंडेफिनेट कर देंगे तब तो फिर डेफिनेट तुम्हारा हो ही जाए इससे एग्जाम ये कार्यक्रम कब से चालू है से है ना हाँ तो तब तक डेफिनेट हो जाएगा मेरे हिसाब से और डिफरेंशियल का मैं तुमको बता रहा हूँ तुम खुद से करके चल जाना एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सर होमोजीनियस भी पूछता है ना होमोजीनियस का चांस कम लग रहा है मेरे को मतलब लगभग अभी जो देखा है ऑब्जर्वेशन तुमने भी देखा ही होगा एलडी सबसे ज्यादा पूछता है कर लिया सर एनसीईआरटी से कर लिया एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा इससे करना पड़ेगा शीट से सर शीट के क्वेश्चन बाकी है बाकी बेसिक हो गया एनसीईआरटी से देख लिया अभी शीट बाकी है इस प्रीवियस ईयर के कर लेना एक तो एलडी वाले एलडी वाले लगभग पूछता ही है वो तो इसलिए मैंने बोला तुमको ठीक है ना बाकी तो ऐसे अगर पूरा करके जाओगे तो अच्छा ही बाकी नहीं पूछते सर वेरिएबल सेपरेबल टाइप अरे